नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। कोरोना नेगेटिव वेलकम फ्रंट टू माय चैनल। इस साल जो है मेरा अमेरिका घूमने जाने का ट्रिप कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से, वरना हर साल पैसे नहीं होने की वजह से कैंसिल करनी पड़ती थी। यहाँ पे दाढ़ी वाला फोटो है, तो कभी मैं शेव उप करके आता हूँ ना, तो अचानक दाढ़ी वाला फोटो आ जाता है, तो मैं शौक होता हूँ कि अरे मैं तो दाढ़ी काट के आया हूँ। काफ़ी सारे फ्रेंड्स है फेसबुक में, व्हाट्सअप पे है, मतलब मोबाइल नंबर उनके पास है, लेकिन किसी का भी मैसेज नहीं आता है, गुड मॉर्निंग विशेस नहीं आता है। मतलब इतने सारे लोग होने के बावजूद भी एक भी मैसेजेस नहीं आते हैं, ना कोई हालचाल पूछता है, मतलब क्या बोले। तो किसी का मैसेज आए ना आए, कोई हालचाल पूछे ना पूछे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उनके भरोसे ज़िंदगी जीने के लिए हम इस दुनिया में आए? हमें जो ज़िंदगी मिली है दूसरों के भरोसे मिली है? नहीं, खुद के लिए। जब मैं खुद को खुश नहीं रख सकता हूँ, जब मुझे खुद की परवाह नहीं, तो लोग क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग विशेस आने से आपका दिन अच्छा नहीं होता। आपको गुड बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, सही खाना पड़ेगा, सब कुछ आपके हाथ में, लेकिन आप दूसरे के भरोसे हाय हाय करके दिन बिता रहे हो। 24 घंटे मिले सबके लिए, 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन ये 24 घंटे आपके पास भी है, लेकिन आप दूसरे से मांग रहे हो, दूसरे से उम्मीद कर रहे हो। खुद खुश रहा करो, आत्मनिर्भर बनो। दुनिया के भरोसे रहोगे मार डालेंगे। जो ज़िंदगी मिली है खुद के लिए मिली है, खुद को जीने के लिए मिली है, हाथ पैर 24 घंटे सब कुछ खुद के लिए मिली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, ये सिंगल वाले परेशान हैं, जो रिलेशन में वो भी परेशान है, मतलब शादीशुदा की तो हालत ही खराब है, वो तो और ज़्यादा परेशान है, तो ये पूरी ज़िंदगी का मज़ा कौन ले रहा है? और ब्लैक कॉफ़ी के बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि मैं चाय कॉफ़ी ग्रीन टी कुछ भी हो शुगर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी खाता हूँ, खाना है कि नहीं, रोटी हो, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, जो कुछ भी दिन भर हम खाते हैं, उनमें नेचुरल शुगर रहती है, जितना हमको शरीर को चाहिए उनमें से पूरा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा शुगर जो चाय में ले रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हो सकता है, तो आने वाले दिन में हानिकारक हो सकता है, शुगर होता है, अन्य बीमारी हो सकती है, इसी के लिए अवॉइड करता हूँ, मतलब चाय कॉफ़ी में मैं शुगर नहीं लेता हूँ। ऐसे भी हमारे कंट्री में मिठाई ये वो बहुत चलते हैं, तो इसी के लिए। अभी बोलोगे बिना चीनी का चाय कैसा है, बिना चीनी का चाय पी के देखिए आदत बनाए, फिर आप चीनी चाय पियोगे तो मतलब उल्टी कर दोगे, ऐसा। चेस, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, एक लड़की के साथ ऑनलाइन लूडो खेल रहा था मैं, ठीक है, तो एक हफ्ता खेलने के बाद उसने मुझे बोला, हम लूडो भी अच्छा खेल रहे हैं, टीम में जीत भी रहे हैं, क्यों ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। मैंने साफ मना कर दिया, साफ। मैं बोला दो दो गेम मुझसे खेला नहीं जाएगा, एक तो ये लूडो, ऊपर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ना ना, साफ मना कर दिया मैंने। अभी आप सोच रहे होगे कि लड़की ऐसे बोल ही नहीं सकती, तो आप सही सोच रहे, वो प्रपोज मैंने किया था, उसने साथ मना कर दिया, रिजेक्ट। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, एक गर्लफ्रेंड पटा ली, लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं थी, कमाई नहीं था, कोई बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं था। फिर उस लड़की ने अपने बाप के पैसे चुरा के मुझे दिए, उस पैसे से मैंने अपने बिजनेस खड़े कर लिए, सब कुछ खड़े हो गए। लेकिन आज वो बोलती है कि हम शादी करेंगे, अब आप ही बताओ मैं वैसी चोर लड़की से क्यों शादी करूं? मैंने साफ मना कर दिया। सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया, ठीक है सब। एक जा रहा था ऐसे बोला, मैं बोला सब ठीक है बढ़िया है, बोलता हालचाल कौन पूछ रहा है, आईपीएल का स्कोर क्या हुआ? पार्क में एक बुजुर्ग मिले मुझे और उन्होंने कहा पिछले 20 साल से वो गीता का उपदेश का पालन कर रहे हैं। वाह, मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई उनके लिए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि गीता तो उनकी पत्नी का नाम है। बस दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। करो, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में खुश रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी कब खुश हो जाए पता नहीं, इसीलिए डरो नहीं, कुछ करो। बाय बाय।